संजय दत्त के रूप में रणबीर कपूर पेश करते हुए प्रशंसा स्वीकार करना। रणबीर कपूर संजय दत्त के रूप में प्रभावशाली हैं, जो कि संजू नामक अभिनेता पर बायोपिक में हैं। रणबीर संजू में संजय दत्त की तरह अजीब दिखते हैं। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित संजू 2 जून को रिलीज होगी। ऋषि कपूर ने संजय के पोस्ट को ट्वीट किया और इसे कैप्शन किया, दिलचस्प। अभिनेता संजय दत्त पर बायोपिक संजय का टीजर मंगलवार को इंटरनेट पर पहुंचा। रणबीर कपूर संजय दत्त निभाते हैं और लगभग नाखून करते हैं। रणबीर कपूर संजय दत्त की तरह अजीब दिखते हैं, लेकिन वह खलनायक अभिनेता की गहरी आवाज को दूर करने में असमर्थ हैं, लेकिन 7.5 सालों के अंत तक आप रणबीर ने भूमिका निभाने के प्रयासों से प्रभावित होंगे। टीज़र से पता चलता है कि संजू दत्त के जीवन के सभी पहलुओं को बताएंगे। मुंबई की विस्फोटों के संबंध में कानून के साथ 22 साल की उम्र में उनकी नशीली दवाओं की लत से उनकी 308 गर्लफ्रेंडर्स, यह टीज़र में ऐसा कहती है। उनके दिन खिड़की रहित जेल में बिताए गए। दिनों तक उन्होंने सुप्रीम व्यू के साथ पॉश स्वीट्स में बिताए। संजय का उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति की चौंकाने वाली कहानी के कई पक्षों को शामिल करना है जो कई जिंदगी जीते हैं। रणबीर के पिता ऋषि कपूर ने फिल्म के पहले पोस्टर को साझा किया, जिसमें रणबीर अभिनेता के जीवन के विभिन्न चरणों से संजय दत्त के रूप में दिखाई देते हैं। ऋषि कपूर का फैसले, दिलचस्प। फिल्म में संजय दत्त के चित्रण में रणबीर कपूर ने पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह प्रचार फिल्म नहीं है, जिसे वह भगवान के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहा है। रणबीर कपूर ने कहा, हम संजय दत्त, उनके खतरे, उनकी पतन, उनकी इच्छा से लड़ने की एक बहुत ही मानवीय पक्ष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले अपनी मां की मौत कैसे संभाली, उनके साथ उनका रिश्ता, उनके पिता, ये उनके जीवन में मानव संघर्ष थे। संजू में दिया मिर्जा को संजय दत्त की पत्नी मान्यता, करिश्मा तन्ना, माधुरी दीक्षित, परेश रावल, सुनील दत्त और मनीषा कोयराला के रूप में नरगिस के रूप में दिखाती हैं। अनुष्का शर्मा और सोनम कपूर ने राजकुमार हिरानी निर्देशित फिल्म में कैमियो बढ़ाए हैं। संजू 2 जून को स्क्रीन पर हिट करेगा।